नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद हैं। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लुट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमें महलों से निकाली जा रही हैं और उनकी बेहुर्मती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास के केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव सिंगार के सिवा कोई काम न था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेर शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खींच खींच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वेश्याओं की चांदी थी। कहीं तीतरों के जोड़ होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां ठनती थी। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का न लगा था। कहां रणक्षेत्र के कष्ट और कहां ये सुख साम्राज्य। जिधर आंख उठती थी उधर से हटने का नाम न लेती थी। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीजों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कारचुबी मसनत पर बैठ गया। सरदारों को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अपने सब हथियार खोल कर रख दिए और महल के दारोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर ना हो, मैं कोई उजरिया इनकार नहीं सुन सकता। दारोगा ने यह नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वो महिलाएं जिन पर कभी सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ी, कैसे इस मजलिस में आएंगी? नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था। हाय नर पिशाच, दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से निकालना अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर आदाब बजा लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही ये इत्तला भी दे दी कि जरा भी तामुल न हो, नादिर शाह कोई उजरिया हीला ना सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी, पर इस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हतबुद्धि सी हो गईं। सारे रनिवास में मातम सा छा गया। वो चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों से इस अत्याचारी के प्रति एक शाप निकल गया। किसी ने आकाश की ओर सहायता याचक लोचनों से देखा, किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया, पर ऐसी एक महिला भी न थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें कितने ही बेगमों की नसों में राजपूतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रिय लिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत न थी। एक एक पल भाग्य का निर्माण कर रहा था। हताश होकर सभी ललनाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे, दिलों से आहें निकल रही थी, पर रत्न जटित आभूषण पहने जा रहे थे। अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यथित हृदयों पर सुगंध का लेप किया जा रहा था।
कोई केश गूंथती थी, कोई मांगों में मोती पिरोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। एक घंटा भी न गुजरने पाया था कि बेगमात परे के परे आभूषणों से जगमगाती अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध के लपटे उड़ाती, छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गईं। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया, अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगीं, उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा जान पड़ा कि वो गहरी निद्रा में मग्न हो गया है। आध घंटे तक वो पड़ा सोता रहा और बेगमें ज्यों कि त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रहीं। उनमें दो एक महिलाएं जो ढीठ थीं, घूंघट की ओट से नादिर शाह को देख भी रही थीं और आपस में दबी जबान में कानाफूसी भी कर रही थीं। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत आंखें हैं, कितना भारी शरीर है। आदमी काहे को है, देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गईं। परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेट कर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब ये जालिम नाचने गाने को कहेगा तब कैसे क्या होगा। खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचा तो न जाएगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। इससे ज्यादा जिल्लत अब नहीं सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ए खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वो हर्फ बहर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वो कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुर्मती नहीं करना चाहता था, मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूं, वरना आज भेड़ों के गल्ले चराता होता, और न ही इतना हवस परस्त हूं, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता होता, जिसका मजा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज्यादा उठा सकता हूं। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे ये देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या ये मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहां आ गई तो मैंने तुम्हें एक मौका और दिया, मैंने नींद का बहाना किया। क्या ये मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती? मैं कलामे पाक की कसम खाकर कहता हूं कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहां ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुरमत बिगाड़ने वाले पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती, इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं, इसका निशान बहुत जल्दी इस दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी।